हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ईस्कैट। आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम को। तो रिमाइंडर्स के ऊपर दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है, उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया है अभी तक, तो उन क्लास को पहले अटेंड कर ले, उसके बाद ही आप इस क्लास को कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स, बिकॉज बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इस क्लास में आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि यूलर थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं। यूलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम भी होती है, यूलर थ्योरम भी इसका नाम है, फाइजन कंसेप्ट भी कई बार बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सभी एक ही बात है, फर्मेट्स एक उसी का रूप है, यूलर का ही एक स्पेशल केस फर्मेट्स में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेन थ्योरम आपका यूलर थ्योरम है, जिसका एक अलग नाम फाई एन कंसेप्ट भी होता है। फाई एक साइन होता है, मैं आपको बताऊंगा पूरा अभी। तो अभी तक अगर दो वीडियो नहीं देखे तो उनको देख ले, और यूलर थ्योरम थ्योरम को शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट और देखेंगे हम, बेसिक कंसेप्ट है वो भी, ताकि आपको पता रहे कैसे क्या करना है आपको कैलकुलेशन करते वक्त। तो यूलर थ्योरम स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो के अंदर कुछ देर बाद, लेकिन पहले एक बहुत शानदार कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो बिना समय खराब किए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट में आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने कहा आपको कि 65 में 25 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर बहुत ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो आप? हम सबको बताया कि रिमाइंडर आएगा 15, क्लियर? 25 पूछा 50, वो 65 में से 50 गया, तो 15 रिमाइंडर बच रहा होगा। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया स्टूडेंट्स, 65 और 25 ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे थे, 5 से कैंसिल किया 39 और 5 से कैंसिल किया 25 को 5 टाइम, मतलब इसको मैं 5 से कैंसिल करके ऐसा लिख सकता था, 13/5 लिख सकता था। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। एक बच्चे ने 65/25 करके रिमाइंडर कैलकुलेट किया, उसका 15 रिमाइंडर आया। एक बच्चे ने 5 से कैंसिल किया, 13/5 का रिमाइंड दिया, इस केस में रिमाइंडर केवल 3 ही आया, तो किसका आंसर सही है? अब बच्चे बोलेंगे सर इस केस में तो रिमाइंडर 15 आ रहा है और इस केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसने क्या गलती करी है? तो आपका सही आंसर आपको जो लेना है बच्चों, आपका 15 ही है कि 65 में आप 25 का डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 15 बचेगा। इसमें क्या बहस करनी है? देखो दिख तो रहा है 65 2 times 50 15 आ तो गया 15 रिमाइंडर, लेकिन ये कहां गलती कर रहा है? इसका आंसर 3 क्यों आ रहा है? और अगर 3 आ रहा है तो ये क्या करे कि इसका आंसर 15 आ जाए? तो बच्चों ध्यान दें, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिस नंबर से कैंसिल किया है, 5 से आपने 65 को भी कैंसिल किया था, 25 को भी कैंसिल किया था। बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अल्टीमेटली इस फ्रैक्शन को आपने 5 से डिवाइड किया था, बोलो हाँ या ना? 5 से डिवाइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 5 से कैंसिल हुए थे। तो जिस नंबर से आपने कैंसिल किया है स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को आपको इस ऑब्टेन रिमाइंडर को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस नंबर से कैंसिल किया था, टू गेट द करेक्ट रिमाइंडर, टू गेट द एक्चुअल रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर ऑब्वियस 15 बन जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहां एक कंक्लूजन ये ले रहा हूं गाइस, कि अगर हम कैलकुलेशन करते वक्त कभी किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिए और फिर रिमाइंडर कैलकुलेट किए, तो वो आंसर गलत होगा। हम जिस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे, हमें उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द ओरिजिनल रिमाइंडर। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और ले लेता हूं स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि बताओ 63 में अगर 15 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? बार बार ठीक है 63। अब बच्चों ने बोला सर 15 छोड़ 60 रिमाइंडर 3 पता पड़ता है सर हमें, लेकिन एक बच्चे ने कैंसिल कर दिया, फिर से कैंसिल किया स्टूडेंट्स 21 टाइम एंड 5 टाइम, फिर से कैंसिल किया, तो यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है सर, यहां रिमाइंडर 3 आ रहा था, क्योंकि यहां आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से कैंसिल किया है, तो टू गेट द ओरिजिनल रिमाइंडर आप इस ऑब्टेन रिमाइंडर को वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको करेक्ट आंसर 3 मिल जाएगा। आई थिंक मेरी ये बात समझ में आ चुकी है। तो इस स्टेटमेंट को लिख ले स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने सीखा है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां लिखा गया है, इफ वी कैंसिल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
with a particular number, then we have to multiply the obtained remainder to that particular number to get correct remainder. तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुका होगा. इसके दो एग्जाम्पल हम ले चुके. एक अच्छे क्वेश्चन में हम रिमाइंडर कैलकुलेट भी कर लेंगे स्टूडेंट्स. तो करते हैं शुरुआत. ये एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों मैंने कि 63 to the power 856 में 24 का डिवाइड देके आपको रिमाइंडर निकालना है. आप बोलोगे 63 तो डिविजिबल होता है बच्चों किससे? 3 से. 24 भी 3 से डिविजिबल है. तो यहां स्टूडेंट्स ऐसा करने से क्या होता है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है. देखो 63 कितनी बार लिखा है सर? ये 856 टाइम लिखा है. अरे बोलो यस और नो. होल अपॉन 24 करिए सर. लेकिन सर देखो आप ऐसा गलती ना कर दे कि यहां कैंसिल कर दिया. ब्रैकेट के अंदर कैंसिल नहीं हो जाएगा. ब्रैकेट के अंदर कैंसिल कर दिया मतलब आपने, अगर ब्रैकेट के अंदर 3 आपने कैंसिल कर दिया है तो 3 की पावर 856 कैंसिल कर दिया है आपने. 856 टाइम 63 लिखे, केवल एक बार 3 कैंसिल होगा बच्चों 21 टाइम और ये 8 टाइम. आपका 63 रिमेनिंग 855 टाइम अभी तक ऐसा ही लिखा है. बोलो हाँ या ना. तो आपने बोला स्टूडेंट्स कि मेरा आंसर बनता है 21 into 63 की पावर 855 डिवाइड बाय 8. अरे बोलो हाँ या ना. अरे अगर आपने ऐसे कैंसिल कर दिया होता तो ये तो पाप हो जाता ना. अगर आपने ऐसे कैंसिल कर दिया कि 3 से कैंसिल किया 8 बार और ये कर दिया इसको लिख दिया 21, तो ये तो गलत है ना. आप इन सब में से 3 कैंसिल कर चुके हैं. आप सब में से 3 कैंसिल कर चुके हैं इसका मतलब, क्योंकि गलत बात हो जाएगी. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है. ऐसी गलती आप नहीं करेंगे. ओके ना. तो आपने कहा सर इसको हमने ऐसा लिखा और फिर 63 भी 3 से कैंसिल होता है, 24 भी 3 से कैंसिल होता है, तो ऐसा लिख दिया. ठीक है सर, क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, नेगेटिव रिमाइंडर को पूरा पढ़ चुके हैं, तो बच्चों को बताया कि 21 में 8 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 5 बचा. 63 में 8 का डिवाइड दिया रिमाइंडर -1 बचा. देखो +7 लू या -1 लू एक ही बात है, तो -1 ले लिया. अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आया बच्चों? बच्चे बोलेंगे सर 5 यहां बचा है. -1 की पावर 855, -1 की पावर ऑड नंबर -1 ही होता है, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने में -5 आया. बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर पता है, बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर पता है. कैन यू कैलकुलेट द पॉजिटिव रिमाइंडर? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल. -5 में हमने 8 को ऐड कर दिया तो हमारे पास आया +3, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचता है. बोलो हाँ या ना. अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि सर 8 का डिवाइड देने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है? हम कैलकुलेशन करते वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3-3 से कैंसिल कर चुके हैं, तो जो काम पिछली स्लाइड पे कर रहे थे वही काम इस स्लाइड पे भी कर रहे होंगे. जहां अगर आपने 3 से कैंसिल किया था डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को, तो आपको इस ऑब्टेन रिमाइंडर को वापस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to get the original remainder, और यही आपका करेक्ट आंसर है. 9 is the correct answer for this question. एक example students, 84 to the power 179 divided by 35. ये question आप अपने आप सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे. क्लियर? उस पर आप कमेंट जरूर करके बताएं. आई होप ये बात समझ में आ चुकी है. एकदम आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो चुका है. अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यूलर थ्योरम. क्या होती है यूलर थ्योरम, कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट होते हैं, फर्मेट्स थ्योरम क्या है, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो के अंदर. ओके बच्चों ध्यान दें, यूलर थ्योरम हम पढ़े उससे पहले आपको पता होना चाहिए यूलर नंबर. कि व्हाट इज यूलर नंबर, व्हाट इज यूलर नंबर, यूलर नंबर क्या होता है, यूलर नंबर क्या होता है. सर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको यूलर ऑफ 10 निकालना है, मतलब 10 से छोटे वो नंबर
जो टेन से को प्राइम हो, टेन से छोटे वो नेचुरल नंबर जो टेन से को प्राइम हो। बच्चों को प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर तो सर आपने पढ़ाया था, लेकिन को प्राइम नहीं पढ़ाया था, और पढ़ाया भी था तो हमें याद नहीं है। इसीलिए बच्चों लिख लो को प्राइम, समझ लो को प्राइम क्या होता है। मैंने यहां दो नंबर लिखे 24 एंड 38, क्या ये को प्राइम है? नहीं, ये को प्राइम नहीं है, बिकॉज इन दोनों के अंदर टू कॉमन है। ये दोनों ही नंबर टू से कैंसिल हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये 12 और 19 जो आया है गाइस, ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब 12 और 19 किसी भी नंबर से कैंसिल, किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वन। ओके, तो आप बोलेंगे सर अब 12 और 19 क्या है? को प्राइम नंबर से, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे तो और भी डेफिनेशन वाइज और भी क्लियर हो जाएंगे आपकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। लेकिन अभी आपको अपनी भाषा में बात समझ आ चुकी होगी कि ये नंबर फर्दर कैंसिल नहीं होने चाहिए। दैट्स इट। मैंने आपको पूछा स्टूडेंट कि क्या 36 और 63 को प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं है सर, ये 9 से कैंसिल हो रहे हैं। 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। हाँ सर, 4 और 7 अब को प्राइम है। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? मैंने कहा 32 एंड 48, क्या ये को प्राइम है? आप बोलोगे नहीं। माना कि आपको नहीं स्ट्राइक होता कि ये 16 से कैंसिल हो रहे हैं, आपको यही स्ट्राइक हुआ कि ये 8 से कैंसिल हो रहे हैं, तो आपने 8 से कैंसिल किया, 4 टाइम 6 टाइम। क्या 4 और 6 को प्राइम है? नहीं सर, ये तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। क्या 2 और 3 को प्राइम है? हाँ सर, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे। बोलो यस और नो। तो पहली बात तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स के पैर ही हो। हाउएवर ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दो प्राइम नंबर लिखूंगा तो आपस में को प्राइम होंगे फॉर श्योर। लेकिन दो कंपोजिट नंबर भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं। 25 44 अब फर्दर कैंसिल नहीं हो रहे, ये को प्राइम नंबर है। तो बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स की क्या होते हैं को प्राइम नंबर। अभी आपको यूलर नंबर पढ़ते वक्त और भी क्लियर हो जाएगा। तो समझे स्टूडेंट्स की व्हाट इज यूलर ऑफ 10? 10 से छोटे वो नंबर, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर होते हैं 10 से छोटे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों 10 एक इवन नंबर है, तो 2 10 4 10 ये तो आपस में कोप्राइम नहीं होंगे ना। सारे इवन नंबर को तो वैसे ही गोली मार दो, ये तो कोप्राइम हो ही नहीं सकते, ये तो 2 से कैंसिल होने ही होने। बोलो हाँ या ना? तो ये तो कोप्राइम नहीं हो सकते, 2 और 10 कोप्राइम नहीं है बिकॉज 2 से कैंसिल हो जाएगा। 4 और 10 कोप्राइम नहीं है, देखो 4 और 10 ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 एंड 5 टाइम। बोलो यस और नो? तो आपने कहा सर इवन नंबर तो हमेशा खत्म ही कर दो। बोलो हाँ या ना? क्या और कोई नंबर बच रहा है जो 10 से को प्राइम हो? 10 से को प्राइम नहीं है, आप बोलोगे 5, बिकॉज 5 और 10 जब लिख के बैठोगे तो दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम। बोलो यस और नो? इसीलिए 5 भी कैंसिल, 5 भी आपका को प्राइम नंबर नहीं। तो यूलर ऑफ 10 कितना है बच्चों? ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हैं और 10 से को प्राइम है, ऐसे कितने नंबर हैं? ऐसे केवल 4 नंबर है। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं यूलर ऑफ 10 की वैल्यू जो होगी वो 4 के इक्वल होगी। आई होप ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। यूलर ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 ओनली। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैंने कहा आपको यूलर ऑफ 30 कितना होगा, तो आपने मैन्युअली काउंट कर लिया कि सर 30 एक इवन नंबर है, तो 2 से लेकर 30 तक कितने इवन नंबर है वो सब तो रवाना हो गए। आपने कहा सर यूलर ऑफ 30 कैलकुलेट करते वक्त इन 30 में से 15 क्या है बेटा? इवन नंबर है, तो उनको तो खत्म कर दो। बचे कितने नंबर? बचे आपके पास, चलो मैं पूरा देता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 29 एंड 30। आपने कहा सर ये 2 4 सारे इवन नंबर तो खत्म हो जाएंगे, 6 रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, एंड 30 सब खत्म हो जाएंगे, सारे इवन नंबर खत्म। बचे कितने बच्चों? 30 में से 15 इवन नंबर खत्म हो चुके हैं, क्या 15 ऑड नंबर बचे?
बात समझना, बहुत अच्छी बात होने जा रही है, आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में भी आ जाएगी। आप बोलोगे सर 11 बना, अगला 13, फिर 15 एंड सो ऑन, लास्ट 27। क्या मेरी बात क्लियर होगी? अब आप बोलोगे सर ऐसे नंबर इनमें से सर जो तीन के मल्टीपल है, इनमें से जो तीन के मल्टीपल है, 3 और 30 ये भी कोप्राइम नहीं है, 9 और 30 ये भी कोप्राइम नहीं है, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 10 टाइम, बोलो यस और नो। तो तीन के मल्टीपल जितने भी हैं उनको भी खत्म करो, इनके बीच में और कोई नंबर आएगा बच्चों? हाँ सर 21 आएगा बीच में, लिख देता हूं आपको समझने के लिए 21, इसको भी खत्म किया। तो यहां बच्चों कितने नंबर हट चुके थे, यहां जा चुके थे हमारे 15 नंबर्स, तो सबट्रैक्ट कर दिया था कि 15 तो हो ही नहीं सकते, कम करते जाने 30 में से, इन 15 को सबट्रैक्ट किया, अब 5 को और सबट्रैक्ट कर दिया है, बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद अब बचे क्या क्या है सर? अब बचे हैं आपके पास 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 and 29। क्या ये बात क्लियर है? 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 जा चुका है, 12 जा चुका है, 14 जा चुका है ना? तो हाँ अल्टीमेटली आप बोलेंगे सर ये आपके पास नंबर बचे हैं, ठीक है 27 काउंट, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, 30 से जो 5 के मल्टीपल है, 30 से जो 5 के मल्टीपल है उनको भी तो हटाना पड़ेगा, 5 and 25। तो बचा क्या है बच्चों? अब आप बोलेंगे 1, 7, 11, 30, 17, 19, 23, 29। तो ये 8 नंबर हमें दिख रहे हैं सर जो 30 से छोटे हैं, जो 30 से छोटे हैं। उसके बाद पता पड़ा बच्चों आपको, उसके बाद आपको ये पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि हमने काउंट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर ऐसे, यहां 2 नंबर और कम हो गए। तो आपने कहा पहले 30 नंबर थे, 30 में से 15 नंबर यहां सबट्रैक्ट किए, 5 नंबर यहां निकाल लिए, 2 नंबर यहां निकाल लिए, तो टोटल बचे कितने बच्चों? 22 नंबर हम सबट्रैक्ट कर चुके हैं, बचे 8 नंबर है बच्चों। और वो 8 नंबर क्या होने वाले? 30 से छोटे और 30 से कोप्राइम। मत आपको इतना समय नहीं लगेगा बच्चों समझाने के लिए, मैं आपको इतना लिख रहा हूं, 30 से छोटे और 30 से कोप्राइम, ऐसे 8 नंबर। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं जनरल ऑफ एनी नंबर निकालने के लिए, आप कैसे निकाल लेंगे बच्चों ध्यान दें, जैसे इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखूंगा और फॉर्मूला आपके लिए प्रूव भी करूंगा, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। बच्चों ध्यान दें 1 सेकेंड ना, तो आपने ये ऐसा कैंसिल कर दिया आपने, तो 4 2 8 बचा, दैट्स इट। तो ये 8 नंबर आप काउंट कर सकते हैं। इसके पीछे क्या बेसिक है, कैसे हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखने वाला हूं बच्चों। तो आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स कि यूलर नंबर होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज यूलर ऑफ 100, तो आप बोलोगे यूलर ऑफ 100 इज नथिंग बट नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन 100 एंड आर कोप्राइम टू 100, दैट्स इट। बच्चों कैसे निकालते हैं यूलर नंबर? फॉर एग्जाम्पल आपको यूलर ऑफ 600 निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इस 600 का आप करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टर्स में हमने किया था। तो क्या बच्चों आप इस बात से अग्री करते हो? ये मिला 2³ × 3 × 5² अरे बोलो यस और नो। अरे 25, 8 + 200, 3 + 600, मेरी बात समझ में आ चुकी है। जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है बच्चों, उसके बाद पावर से आपको मतलब नहीं है। यूलर ऑफ 600 अगर निकालना है, 2, 3, 5 बेस में मिले, मैं आपके लिए पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा अभी, लेकिन 600 इंटू
वन माइनस वन बाय टू जो भी आपको बेस में मिला है, जरूरी है कि टू आपको हमेशा मिले, यहाँ बेस में टू थ्री फाइव मिले, यहाँ वन माइनस वन बाय थ्री और यहाँ वन माइनस वन बाय फाइव। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपको जो नंबर मिलेगा वन बाय टू, टू बाय थ्री, फोर बाय फाइव। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल, मैं प्रूव करूंगा इस फॉर्मूले का, आप टेंशन ना लें। आपने कहा थर्ड फाइव थ्री जा फिफ्टीन, टू जा थर्टी, थर्टी से कैंसिल हुआ ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी टू जा फोर्टी फोर जा वन सिक्सटी, मतलब 600 से छोटा नंबर जो कि 600 से कोप्राइम है, ऐसे कितने नंबर है स्टूडेंट्स 160 नंबर से। आई थिंक मेरी मेरी बात समझ में आ चुकी है। फॉर्मूला की फॉर्म में अगर आपको लिखना है बच्चों, फॉर्मूला की फॉर्म में अगर आपको लिखना है, इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूले की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, अगर कोई नंबर आपका इस फॉर्म में मिल जाता है ए इज टू द पावर एक्स वन सेकेंड इंटू बी इज टू द पावर वाई इंटू सी, चलो पी क्यू आर कर लो, हम पी क्यू आर लिखते हैं हमेशा, पी इज टू द पावर एक्स इंटू क्यू इज टू द पावर वाई इंटू आर इज टू द पावर जेड एंड सो ऑन, वेयर पी क्यू आर आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ये बात हम फैक्टर्स में कवर कर चुके हैं, तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट कवर करिए, आई गारंटी यू कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें समझने वाले हैं। तो यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमें निकालना आता है, लेकिन यूलर ऑफ दिस नंबर क्या होगा, एन इंटू वन माइनस वन बाय पी, मतलब वन माइनस वन अपॉन फर्स्ट प्राइम नंबर इन बेस इंटू वन माइनस वन अपॉन क्यू मींस सेकेंड प्राइम नंबर इन द बेस इंटू वन माइनस वन अपॉन आर मींस थर्ड प्राइम नंबर इन द बेस एंड दैट्स इट। ये सॉन्ग जाता चला जाएगा, ये आपका मेथड निकल के आता है यूलर नंबर निकालने का। बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यूलर नंबर से, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम यूलर नंबर कैलकुलेट करते हैं। कई फैकल्टी और कई स्टूडेंट्स कई बुक्स में आप पाएंगे कि एन अगर लिखा है तो यूलर ऑफ यूलर नंबर को फाइव एन भी बोलते हैं कि फाइव एन निकाल लो। क्लियर, फाइव एन बोलो या यूलर नंबर बोलो एक ही बात। क्लियर, तो इसके पीछे का ये फॉर्मूला जो लिखा है हमने, इसके पीछे का बेसिक समझिए बच्चों। देखो अगर मैं 30 की बात करूं तो मेरा नंबर था 30, 30 होता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस में क्या मिल रहा है 2, 3 और 5 मिल रहा है। बच्चों जब मैं यूलर ऑफ 30 निकालूंगा तो पहली बात तो ये कि 32 का मल्टीपल है, तो सारे 2 के मल्टीपल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, सारे 2 के मल्टीपल को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो जितने नंबर होते हैं उसमें से आधे आपके इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, मतलब आधे नंबर 2 के मल्टीपल है आधे नंबर 2 के मल्टीपल नहीं है। तो जो 2 के मल्टीपल है उनको मैंने क्या कर दिया बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो इसको सॉल्व करने पे आपको 15 मिलेगा, मतलब आप 15 नंबर सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, 30 में से 15 बचे हैं, जो 15 सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं उनको आप यहां विजुलाइज कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब ये नंबर जो बचे हैं बच्चों 15, इसमें से मैंने 3 के मल्टीपल जितने भी हैं वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो पहले 30 नंबर में बच्चों ध्यान समझना बात को, पहले 30 नंबर में 3 के कितने मल्टीपल थे, आप बोलोगे 3, 6, 9, 12 अप टू 30 थे, पर 30 में से अगर 10 3 के मल्टीपल थे तो क्या उन 10 3 के मल्टीपल में से 5 ऑड मल्टीपल थे, 5 इवन मल्टीपल थे, 5 ऑड नंबर थे और 5 इवन नंबर थे, बोलो हाँ या ना। देखो 3 ऑड था 6 इवन था, 9 ऑड था 12 इवन था, 15 ऑड था 18 इवन था, 21 ऑड था 24 इवन था, 27 ऑड था 30 इवन था। तो जो इवन थे वो तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, देखो 6 एक्सट्रैक्ट हुआ था, 12 भी हुआ होगा, 18 भी हुआ होगा, 30 भी हुआ दिख रहा है हमें, बोलो ये सुनो। अब आप बोलोगे सर 15 में से, इन 15 में से केवल 5 आपको ऑड मिलेंगे, मतलब 1/3 नंबर मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। देखो 3, 9, 15, 21 और 30, 27, clear? 3, 9, 15, 21, 27। तो ये 1 - 1/3 जब कर रहा हूं तो उन 15 में से 1/3 नंबर, 15 का 1/3, 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और ये 5 आपको सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है।
और सिमिलरली बच्चों 5 के मल्टीपल भी मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा रिमेनिंग नंबर में से, तो 1 - 1/5 4/5 मिल जाएगा आपको यहाँ पे अल्टीमेटली। इसको सॉल्व करने पर आपको 8 मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द यूलर नंबर। तो ये फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम निकालते हैं यूलर नंबर। तो एक दो एग्जांपल से आप यूलर नंबर कैलकुलेट कर लें, एक दो एग्जांपल से आप यूलर नंबर कैलकुलेट कर लें गाइस। मैंने आपको कहा व्हाट इज यूलर नंबर ऑफ 1000, यूलर नंबर ऑफ 1200। आप यहां से बोलेंगे यूलर नंबर ऑफ 1000। पहले एक काम करो सर, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, बच्चे बोलेंगे 2³ × 5³। अरे बोलो यस और नो। तो अगर इसका यूलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यूलर ऑफ 1000 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? 1000 × 1 - 1/2 × 1 - 1/5। आप बोलोगे 1000 × 1/2, अरे 1 - 1/5 तो आधा है, कैलकुलेट करना 4/5। आपने कहा सर ये तो कैंसिल हो गया सर, 10 1 0 कैंसिल, 400 मिला। मतलब 1000 से छोटे, 1000 से छोटे वो नंबर जो 1000 से छोटे भी हो और 1000 से कोप्राइम भी हो, ऐसे 400 नंबर है, बोलो हाँ या ना। यूलर ऑफ 1200 आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएंगे स्टूडेंट्स, यूलर ऑफ 1200 आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएंगे। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर, यूलर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट गाइस? यूलर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू p-1। बच्चों ध्यान दें आप, अगर मैं आपसे पूछू कि देखो आपको पता है ना कि 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो जब ये नंबर ही प्राइम नंबर है इसके और कोई फैक्टर्स ही नहीं है, तो इससे छोटे सभी नंबर क्या होंगे बच्चों? 3 से को प्राइम होंगे। यूलर ऑफ 7 क्या होगा? तो क्या 7 किसी भी नंबर का मल्टीपल जब नहीं है, 7 का कोई मल्टीपल 7 से छोटा नहीं हो सकता है, तो 7 से छोटे जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्या ये सभी 7 से कोप्राइम होंगे? आप बोलोगे 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7, ये सभी कोप्राइम है, बोलो हाँ या ना। अरे क्या मेरी बात समझ में आए? और 7 7 नहीं है, एक दूसरे कोप्राइम नहीं है, इसलिए आपको ये 6 पेयर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये 6 के 6 नंबर क्या होने वाले हैं? ये क्योंकि आपका ये 7 एक प्राइम नंबर है, इसका यूलर हमेशा इससे एक कम होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर विल बी इक्वल टू p-1। अब बच्चों ध्यान दे, मैंने कहा यूलर ऑफ 17 कितना होगा, तो आपको अगर पता पड़ जाता है कि 17 एक प्राइम नंबर है तो ठीक है, पता पड़ना चाहिए, और नहीं पता पड़ पाता है तो भी आपको मैं बता दूंगा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे निकालना है। यहां आप डायरेक्ट बोलोगे बच्चों ये एक प्राइम नंबर है, तो यूलर ऑफ 17 इससे एक कम 16 होगा। माना कि आप मंद बुद्धि हैं, आपको नहीं पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे सर इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो पहले, तो ये 17 की पावर 1 मिला। और यूलर ऑफ एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन इंटू 1 - 1/1 दैट इज 17 ओनली। आपने कहा सर एन की वैल्यू 16 है, 1 - 1/17 की वैल्यू आपके पास 17 है, 17 × 1 - 1/17 सॉल्व करने पर आपको 17 × 16/17 मिला, आया तो आपका 16 ही। लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है कि यूलर ऑफ 17 जो होता है वो 16 के इक्वल। जैसे ही आपको कोई पूछे आज के बाद कि 43 एक प्राइम नंबर है आपको पता है, तो यूलर ऑफ 43 कितना होगा, तो
आप बोलोगे यूलर ऑफ 43, 42 होगा। तो ऐसा पूछ ले 5 of 47, एक ही बात है, 547 बोलो या यूलर 47 बोलो, 47 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये इससे एक कम 46 एक पल होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम यूलर नंबर को कैलकुलेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यूलर थ्योरम पे कुछ एग्जांपल और यूलर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये सब चीजें सीख रहे होंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, और कोई डाउट किसी को नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हमने इस क्लास में कवर किए हैं। वीडियो पे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें स्टूडेंट्स, जहां डाउट है वो भी पूछ ले, और डाउट नहीं है सब कुछ समझ में आ रहा है तब तो कमेंट करके बताएं, थोड़ी मानवता रखें बच्चों, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने लोग आप जुड़ेंगे उतना हम मोटिवेटेड रहेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एंड 7 फरवरी से कंप्लीट कोर्स हम लेके आ रहे हैं फॉर कैट 2024, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, एस कैट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करना है केवल एस कैट और वहां आपको ये एप्लीकेशन मिल रही होगी स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।